और अब याद करेंगे सुनहरी यादों को। आप सुन रहे हैं सुनहरी यादें और मैं निधि आप सबके साथ। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और ये 2023 आप सबकी जिंदगी में इतनी खुशियां लेकर आए कि हम कहीं भी रहें, हम अपने अपनों के संग रहें, अपनों के प्यार में रहें और एक दूसरे के आगोश में रहें। बस इसी खुशहाली के साथ और रब की मेहर के साथ हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ बस आबाद रहें, खुशहाल रहें। इसी दुआ के साथ आज सुनहरी यादों में याद कर रहे हैं कुछ पुराने बीते दिनों को। जी हाँ, जब हम उसके साथ होते हैं तो हमें आगे की तरफ जाने का मन करता है और जब आगे आ चुके तो पीछे मुड़कर उन्हें पुकार रहे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। जी हाँ, इस गाने को याद करते हुए इस गाने के बोल आप तक सुनाऊंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि इस गाने में जब आपने फिल्म इस गाने को देखा तो इस गाने में आपने सिर्फ दो अंतरे सुने होंगे, यानी मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। ये जिंदगी के लिए एक सीख भी है कि हम साल दर साल आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एक ही चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा आगे रहेगी, वो हम खुद, हमारा साया, हमारी परछाई, हम अपने साथ हमेशा साथ रहेंगे। बाकी सब आपके साथ तब तक हैं जब तक आप खुद के साथ हैं, यानी आप खुद हैं तभी, वरना कोई कुछ नहीं। चलिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस गाने में सिर्फ दो अंतर नहीं, बल्कि जब ये गाना बनाया गया था तब इस गाने में पांच अंतर थे। इस दिल के आशियाने में उनके ख्याल रह गए, तोड़ के वो दिल चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। मेरे निगाहें शोक में आंसुओं के मेले रह गए, आंसू भी मेरे कह रहे साथी तेरे किधर गए। हमने तो अपना जानकर उनको गले लगाया था, हमने तो अपना जानकर उनको गले लगाया था, पत्थर को हमने पूछ कर अपना खुदा बनाया था। तीन और अंतरे थे जो कि रिकॉर्ड किए गए थे लेकिन फिल्म में शामिल नहीं किए गए, मगर मुकेश जी जब भी भारत में या विदेशों में शो करते थे तो इन एक्स्ट्रा तीन अंतरों के साथ पूरा गाना गाया करते थे। उन्हीं के कहने पर हसरत साहब ने ये अंतरे लिखे थे, इसीलिए उनको कभी भी इन अंतरों को अपने आप से अलग करने की इजाज़त नहीं मिली खुद से। भले ही ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ये अंतरे नहीं आए, लेकिन हसरत साहब की हसरत यानी उनकी मेहनत को कभी मुकेश साहब ने भुलाया नहीं। और उसी तरह मुकेश साहब के सपुत्र नितिन मुकेश साहब ने भी जब ये गाना गाया तब भी उन्होंने पांच के पांच अंतरे ही स्टेज पर गाए। क्या बात है। चलिए, नए साल के आगमन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको इसी गाने से जोड़ते हैं ताकि हम अपनी जड़ों को, अपनी नींव को याद रख सकें। कहीं भी किसी देश में चले जाएं या किसी भी साल में हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन ज़रूर आगे बढ़ते जाएंगे, ये तरक्की करते जाएंगे, खुदा रब हमारे साथ हमें ऐसे इसी तरह आशीर्वाद देता रहेगा, लेकिन हम अपने नींव को, अपने जड़ों को, अपनी पिछोकड़ को बोलते हैं कि उसे भूलना कतई नहीं चाहिए। आईना क्यों ना दूँ कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहे जैसे। तो कभी भी पुराना वक्त वापस नहीं आता और यही हम बात कह जाते हैं कि ऐसा कहाँ से लाऊं जो तुझसा दिखे कभी। सो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लूंगी यहाँ पर। मैं निधि आपके साथ जुड़ी हूँ, नए साल की मुबारकबाद के साथ बढ़ते हैं आगे।